हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका ये एसपीएससी सॉल्यूशन में। देखिए, करंट अफेयर का सीरीज हमारा चल रहा है, मंथली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, और मई और जून महीने का, मई महीने का कंप्लीट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ये हमारा जून महीने का करंट अफेयर है और जून महीने का ये हमारा तीसरा भाग है। दो पार्ट जो है वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। और देखिए, करंट अफेयर जो है वो थोड़ा सा लेट से आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर जो है वो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आप ही लोगों के लिए जो है वो मैं ई बुक जो है वो तैयार कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर के अक्टूबर महीने तक का। तो अब की बार जो है हमारा ये एम है कि एक भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटना चाहिए बीपीएससी में करंट अफेयर से, क्योंकि 30 से 35 प्रश्न जो है वो बिल्कुल पूछा जाएगा करंट अफेयर में। तो इसीलिए जो है वो मैं ई बुक तैयार कर रहा हूँ। 10 से 15 दिनों के अंदर जो है आपको ये ई बुक मिल जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा सीरीज जो है वो हमारा लेट आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु। शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है कुछ भी, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जो है वो जरूर दूंगा। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो आवाज़ में अंतर हो सकता है, या थोड़ा सा 2-4 सेकेंड के लिए मैं कभी कभी रुक भी सकता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुई फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो है, इसमें महिला व एकल वर्ग का खिताब जो है वो किसने जीता है? ये जीता है सिमोना हालेप ने। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये फिगर से यदि आप इनका नाम जानते हैं तो आप आंसर कर सकते थे। सिमोना हालेप जो है इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे पुरुष एकल का पूछा जाए, पुरुष एकल का, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल, और कई बार जो है वो राफेल नडाल से ज़्यादा जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, ये भी पूछा जाता है कि राफेल नडाल जो है वो किस देश के हैं? तो राफेल नडाल है स्पेन के। पुरुष एकल की अगर बात की जाए तो राफेल नडाल ने ये जीता है, किसको हराकर? डोमिनिक थिएम को। ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इनको हराकर इन्होंने ये जीता है। महिला एकल में सिमोना हालेप जो है ये विजेता रही हैं, रोमानिया की हैं ये। उप विजेता स्लोन स्टीफेंस रहे हैं। इसके बाद पुरुष युगल की अगर बात करें तो पियरे ह्यूग्स और हर्ब निकोलस महूत, ये दोनों जो है, दोनों के दोनों ये फ्रांस के हैं, और इन दोनों ने जो है वो पुरुष युगल का खिताब जीता है। इसके बाद महिला युगल की अगर बात करें तो कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेज्सिकोवा, ये दोनों जो है वो चेक गणराज्य की हैं और इन्होंने ही जीता है। अब देखिए, यहाँ से जो है वो उप विजेता के बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है, विजेताओं के बारे में जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। अब महिला युगल में उप विजेता कौन रही हैं? मकोटो निनोमिया और हरी होजमी, ये दोनों जो है वो जापान की थी। तो आपको ये दोनों का जरूर याद रखना है। यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा कि पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने, जो कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। अब देखिए, महिला एकल का खिताब जो है वो सिमोना हालेप ने जीता है। चलिए, नेक्स्ट है, आयरलैंड में संपन्न 2 T20 मैचों की श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? देखिए, आयरलैंड में जो है वो 2 T20 का सीरीज हुआ, और दोनों सीरीज जो है, सॉरी, दोनों जो मैच है वो भारत ने जीता है, इंडिया ने जो है वो जीता है। 2-0 से जो है वो भारत ने जीत लिया है, 2-0 से भारत ने जीत लिया है। अब देखिए, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो दिया गया है वो दिया गया है युजवेंद्र चहल को। और इसमें अगर बात की जाए तो श्रृंखला में सर्वाधिक रन जो है वो बनाया था रोहित शर्मा ने, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वाधिक इन्होंने 97 रन जो है वो बनाया था। इसकी कप्तानी जो है वो किया था विराट कोहली ने। इस सीरीज के कैप्टन जो रहे थे ये विराट कोहली रहे थे। अब देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यह अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत और ओवरऑल दूसरी संयुक्त सबसे बड़ी जीत है। इस मामले में
श्रीलंका जो है वो श्रीलंका की टीम शीर्ष पर है, नंबर वन पर है, जिसने सितंबर 2007 में जोहान्सबर्ग में केनिया को 172 रनों के अंतर से पराजित किया था। इसमें जो है वो सबसे नंबर वन पे श्रीलंका है, जिसने 172 रनों से जो है वो हराया था, केनिया को हराया था 2007 में। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2018 का खिताब किसने जीता? उबेर कप जो है इसका उबेर कप 2018 का खिताब जो है वो किसने जीता है बैडमिंटन प्रतियोगिता में? देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जापान ने। इसमें जापान जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, और भी इससे संबंधित जो है पूछा जाएगा, जिस तरह से ये जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका प्रायोजक जो था वो था टोटल, प्रायोजक भी पूछा जाता है। अब देखिए, ये जो है पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप और महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता उबेर कप, ये जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ। अब थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का परिणाम क्या रहा? स्वर्ण पदक जो है वो चीन ने जीता 3-1 से। इसके बाद रजत पदक जापान ने जीता, कांस्य पदक डेनमार्क ने और इंडोनेशिया ने जीता है। जबकि अगर हम लोग उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला की अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक जापान ने जीता है 3-0 से, जबकि रजत पदक थाईलैंड ने जीता है और कांस्य पदक दक्षिण कोरिया और चीन ने जीता है। तो ये भी आपको याद रखनी है, कहीं से भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। और देखिए, जो हमारा ई बुक तैयार हो रहा है उसमें बिल्कुल इसी तरह से बनाया गया है कि जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, क्वेश्चन बनाया हूँ, उसके बाद पूरा डिटेल्स में इसी तरह से लिख दिया गया है कि कैसे भी घुमाकर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो आप बिल्कुल लगा सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 4 नई टीमें एक दिवसीय रैंकिंग में शामिल की गई है। 4 नई टीम जो है, 4 न्यू टीम जो है वो शामिल किया गया है एक दिवसीय रैंकिंग में। कौन सी टीम इनमें शामिल नहीं है? अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में इनमें से कौन जो है वो टीम शामिल नहीं है, जिसमें 4 टीम का अभी जो है वो सिलेक्शन किया गया है। देखिए, इसका सही आंसर है अफगानिस्तान, बाकी नेपाल, नीदरलैंड और यूएई, इसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है वो इसमें इसमें शामिल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से हैं? नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और यूएई, ये 4 देश जो है वो शामिल हैं। तो अफगानिस्तान जो चौथा ऑप्शन था हमारा वो गलत होगा। ये 4ों के बारे में आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न शूटिंग प्रतियोगिता म्यूनिक ग्रैंड प्रिक्स, शूटिंग प्रतियोगिता जिसका नाम था म्यूनिक ग्रैंड प्रिक्स 2018, इसमें किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अब देखिए, जो भी गेम्स हो रहा है उसमें अगर भारत के कोई खिलाड़ी हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वर्ण पदक अगर जीतते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो म्यूनिक ग्रैंड प्रिक्स 2018 में शूटिंग प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम है तेजस्विनी सावंत, ये आप इनका फिगर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम है तेजस्विनी सावंत। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। और देखिए, इन्होंने जो है यहाँ पे एक और नाम है, यहाँ पे अंजुम मौदगिल, इन्होंने जो है वो रजत पदक जीता है। तो दोनों के बारे में जो है आपको याद रखना है, इन्होंने स्वर्ण जीता है जबकि अंजुम मौदगिल ने इन्होंने रजत पदक जीता है। अगर हम लोग पुरुष की बात करें 50 मीटर राइफल प्रोन में, तो स्वर्ण पदक जो है वो मैथ्यू इमोन्स ने जीता है, ये हैं अमेरिका के। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न कम बनेगा क्योंकि यहाँ भारत के संदर्भ में भी, भारत के भी कोई प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रजत पदक जो है ये चेन सिंह ने पुरुष में जीता है, ये भारत के हैं। कांस्य पदक ओले तसर कोव इन्होंने जीता है, ये यूक्रेन के हैं। अगर महिला की बात की जाए तो स्वर्ण पदक तेजस्विनी सावंत ने जीता है, ये भारत की हैं। रजत पदक अंजुम मौदगिल ने, ये भारत की हैं, अभी जस्ट मैं आपको बताया। कांस्य पदक ओलिविया हॉफमैन, ये
ऑस्ट्रिया की हैं, ऑस्ट्रिया की, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुजात बुखारी का निधन हो गया, वे थे, देखिए जम्मू कश्मीर में इनको जो है वो गोली मार दी गई, सुजात बुखारी को, काफ़ी ज़्यादा जो है ये न्यूज़ में रहा, तो सुजात बुखारी का निधन हुआ है, ये क्या थे, तो ये जो है एक पत्रकार थे, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए ये जो है वो श्रीनगर में अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक थे। तो अब देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि सुजात बुखारी जो हैं वो किस पत्र के प्रधान संपादक थे, तो ये अंग्रेजी पत्र है, समाचार पत्र है राइजिंग कश्मीर, इसके जो है वो संपादक थे सुजात बुखारी, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने आसियान में जो है वो भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए इसका सही आंसर है रुदेंद्र टंडन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रुदेंद्र टंडन। और देखिए इन्होंने सुरेश के रेड्डी को जो है वो रिप्लेस किया है इन्होंने, तो ये भी आपको याद रखनी है। खैर रिप्लेस वाला बहुत ही कम पूछा जाता है कि किसको रिप्लेस किया है, ये पूछा जाता है कि कौन जो है वो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के टॉमी थॉमस, ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं ये टॉमी थॉमस, किस देश में अटॉर्नी जनरल जो है वो नियुक्त हुए हैं? देखिए यहाँ से इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं टॉमी थॉमस। अब देखिए इनको जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है वो नियुक्त किया गया है, यहाँ पे फिगर जो है इनका आप देख सकते हैं, ये किस देश के अटॉर्नी जनरल बने हैं ये पूछा जा रहा है, ये बने हैं मलेशिया के। देखिए मलेशिया के जो सुल्तान हैं, मलेशिया के जो सुल्तान है इनका नाम है मोहम्मद पंचम, मोहम्मद पंचम इनका नाम है। अब देखिए सॉरी, इन्होंने मोहम्मद अपांडी अली का जो है वो स्थान लिया है, इन्होंने मोहम्मद अपांडी अली को जो है वो रिप्लेस किया है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग NIA में जो है वो किसे जो है वो नया सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है, आप इनका फिगर जो है वो देख सकते हैं, इनका नाम है शरद कुमार, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा इसका। और देखिए ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना जो है वो फरवरी में की गई थी, फरवरी 1964 में, 1964 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए यहाँ पे एक और नाम है अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना UPSC के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं अरविंद सक्सेना, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता, सॉरी उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति जिसमें गृह मंत्री एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष या उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होते हैं, इन्हीं की सिफारिश पर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, तो प्रश्न ये भी बनता है कि इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 वर्षीय बालक, ये बालक जो है आप इसका फिगर जो है वो देख सकते हैं, इसका एज जो है वो 4 साल है, 4 ईयर्स, इसका नाम है आयन गोगोई गोहेन, इसको भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत के सबसे युवा लेखक शीर्षक से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य का है? ये जो लड़का है 4 वर्ष का है और भारत के सबसे युवा लेखक का जो है शीर्षक जो है इसे दिया गया है, ये किस स्टेट का है? यह है असम का, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। और देखिए इसको किस लिए जो है ये सम्मान दिया गया है, इसकी एक पुस्तक है हनी कॉम, इसके लिए जो है इसे ये सम्मानित किया गया है, यह पुस्तक जनवरी 2018 में प्रकाशित हुई थी। आयन गोगोई गोहेन चित्रकला में भी पारंगत है और इन्होंने हनी कॉम के पेज कवर को भी डिजाइन किया है, ये जो बुक है हनी कॉम
इसका जो कवर पेज है इसको भी इसने डिजाइन किया है। इसके बाद है हाल ही में ओमर रजाज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओमर रजाज जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए यहाँ से बीपीएससी में अब दो प्रश्न नियुक्ति से विदेश में जो नियुक्ति हुई है उससे पूछा जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री कोई बना हो या राष्ट्रपति बना हो। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है जॉर्डन, ओमर रजाज जो है वो जॉर्डन के जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, जॉर्डन के जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले ये जो है ओमर रजाज ये शिक्षा मंत्री थे, सॉरी शिक्षा मंत्री थे, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक का आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, आप इनका फिगर जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इनका नाम है महेश कुमार जैन, ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर होगा, महेश कुमार जैन। इनका कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा। और इन्होंने किसको जो है वो रिप्लेस किया है, इन्होंने एसएस मुंद्रा को जो है वो रिप्लेस किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, एसएस मुंद्रा को जो है वो इन्होंने रिप्लेस किया है। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये हैं उर्जित पटेल। और यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। ओके नेक्स्ट है हाल ही में किसने स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज जो है वो स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए यहाँ पे एक और है नाम अब्दुल फतह अल सीसी, और 63वीं बीपीएससी में यहाँ से पूछा गया था। अब्दुल फतह अल सीसी जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतह अल सीसी। अब देखिए स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड, मैड्रिड, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हाल ही में एलिसिया पुचेता को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है किसी देश की, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इनका नाम है एलिसिया पुचेता। आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं एलिसिया पुचेता का, ये जो है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ये हैं पराग्वे की, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। और देखिए वर्तमान राष्ट्रपति होरासियो, नाम लिख देता हूँ होरासियो, होरासियो कार्ट्स, होरासियो कार्ट्स, इनके इस्तीफे के बाद जो है वो ये अस्थाई राष्ट्रपति जो है वो चुनी गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है वो पुनः जो है वो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, वह वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में ये जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश में जो है वो अगले राजदूत बनेंगे प्रदीप कुमार गुप्ता। प्रदीप कुमार गुप्ता को जो है वो अगला राजदूत किस देश का बनाया गया है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसराइल का, इसराइल। ओके नेक्स्ट है हाल ही में कौन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला जो है वो कौन नियुक्त हुई हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेसी कनिंगम। देखिए आप फिगर जो है इनका देख सकते हैं, यही है स्टेसी कनिंगम, और इन्हीं को जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनको ये पहली महिला हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर कोई भी चीज़ होता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये पहली महिला बनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की।
तो ये आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्होंने थॉमस फार्ले का जो है वो स्थान लिया है, थॉमस फार्ले का जो है वो इन्होंने स्थान लिया है। और देखिए, अगर हम लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो इसकी स्थापना जो है वो 8 मार्च 1817 को की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी SD मूर्ति किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? SD मूर्ति जो है वो किस देश में राजदूत नियुक्त किए गए हैं? देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान के ये नए राजदूत जो है वो भारत के होंगे, और दक्षिण सूडान की जो राजधानी है वो है जुब्बा, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? गिनी के नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने हैं? ये बने हैं इब्राहिमा कैसोरी फोफाना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने मामादी यूला का जो है वो स्थान लिया है, मामादी यूला इनका जो है वो इन्होंने स्थान लिया है। वर्तमान में अगर हम लोग यहाँ की बात करें, गिनी के राष्ट्रपति की अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्फा कोंडे, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के सिख राजनेता गोविंद सिंह देव किस देश में कैबिनेट मंत्री बनने वाले पहले सिख बने हैं? अभी जस्ट मैं आपको ये बताया कि अगर पहला कहीं पे कोई चीज़ आए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पहले सिख बने हैं कैबिनेट मंत्री बनने वाले, किस देश में ये कैबिनेट मंत्री बने हैं गोविंद सिंह देव, ये इनका फिगर है। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलेशिया। और देखिए, ये जो है ये कैबिनेट में इनको संचार एवं मल्टीमीडिया का जो है वो मल्टीमीडिया का जो है इनको प्रभार जो है वो दिया गया है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित आलमबाग बस टर्मिनल का लोकार्पण किया। आलमबाग बस टर्मिनल का जो है वो लोकार्पण किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब इसमें हम लोगों को चुनना है कि कौन सही नहीं है। देखिए, पहला है, इस टर्मिनल का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत किया गया है। निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है टर्मिनल का, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, यह टर्मिनल एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 25 नए परिवर्तन वाहनों का शुभारंभ किया, ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने 25 नहीं बल्कि 40 परिवर्तन वाहनों का जो है वो शुभारंभ किया। इसके बाद है, इस टर्मिनल को सीधे मेट्रो से जोड़ा गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस टर्मिनल को डायरेक्ट जो है वो मेट्रो से जोड़ा गया है। अब देखिए, ये सिर्फ गलत है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें इसका जो आंसर पूछा जा रहा था वो होगा ऑप्शन सी, ये गलत है। बाकी ए बी और डी ये तीनों जो है वो सही है। अब देखिए, इस टर्मिनल से लगभग जो है वो 750 750 बसों का संचालन जो है वो शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विद्युत चोरी रोकने हेतु प्रत्येक जिले में एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कबीर दास अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? कबीर दास अकादमी जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर है मगहर में, मगहर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने कहाँ पे जो है वो भारत का पहला जो है,
अभी जस्ट मैं बोला पहला अगर कहीं भी हो तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का पहला पुलिस संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यावरण एवं वन सचिव जी अनंत रामू ने राज्य के नए राज्य प्रतीक चिन्ह घोषित किए। इससे संबंधित विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राज्य चिन्ह जो है वो जैसे राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पशु हो गया, ये जो है वो नया घोषणा किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। अभी जो है वो आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना जो है वो नया स्टेट जो है वो बना, तो इसी कारण से नया प्रतीक जो है इसका बनाया गया है। अब इसमें हम लोगों को चुनना है कौन सही नहीं है। देखिए पहला है, नीम को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, नीम ही इसका राज्य वृक्ष होगा आंध्र प्रदेश का। इसके बाद है ऑप्शन बी, मिथुन को राज्य पशु घोषित किया गया है, राजकीय पशु जो है वो मिथुन को घोषित किया गया है, ये गलत है। मिथुन को नहीं बल्कि ब्लैक बैग, ब्लैक बग जिसको बोला जाता है काला हिरण, काला हिरण, काला हिरण को जो है वो राजकीय पशु घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद रोज रिंग पराकित को राज्य पक्षी जो है वो घोषित किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है चमेली को राज्य पुष्प जो है वो घोषित किया गया है, चमेली को जो है वो राजकीय पुष्प जो है वो घोषित किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन बी जो है ये गलत है, राजकीय पशु जो है वो मिथुन नहीं बल्कि राजकीय पशु जो है वो काला हिरण को बनाया गया है, काला हिरण को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सचिवालय परिसर के मुख्य भवन का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? उत्तराखंड सचिवालय परिसर का मुख्य भवन जो है इसका नया नामकरण किया गया है, किनके नाम पे जो है इसका नामकरण किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा तीसरा पार्ट, एक पार्ट जो है वो और हमारा आएगा जून महीने का, इसके बाद जो है हम लोग जुलाई में एंटर करेंगे। सो थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो।